हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं। तो आज आप लोगों को बता दूँ, आज बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। तो आज है 10 तारीख यानी 10 दिसंबर। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं आप लोगों से बता दूँ, तो आज दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, आज गिनती है और हमारा एक साल का इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला है। क्योंकि एक साल से मेरे पति जो हैं इसमें उलझे हुए हैं और एक साल से इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने गांव में कुछ अच्छा हो सके और हमारे गांव में कोई मुखिया बन सके। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और यहां पे हम लोग देख रहे हैं उनको जाते हुए। तो यहां पे मैं हूं, मेरी देवरानी है और सासू माँ है आकांक्षा। तो ये सब लोग हम लोग जुटे हुए हैं और आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाना वगैरह बनाने में भी मन नहीं लग रहा था और पूरा दिन आज हमारा वेट में ही बीतेगा। तो बस सब लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, देवर जी हैं और ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई हमारे ससुर लगते हैं, कोई दादा ससुर वगैरह लगते हैं लोग। तो ये सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हैं हमारे, मतलब परिवार के हमारे गोतिया वगैरह ही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं और ठंडी अच्छी खासी पड़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है सुबह सुबह। और ये लोग सुबह के 8 बजे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आकांक्षा को मैंने बोला था कि थोड़ा सबका मुंह मीठा करा दो, तो यहाँ पे आकांक्षा आई है मुंह मीठा कराने के लिए। और ये मैं अपने मायके से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोगों को पता है कि आज कौन सा तारीख है, तो आज दोस्तों आज है 10 दिसंबर। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और आज गया है काउंटिंग होने के लिए और 2 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। तो जो भी कुछ हो अच्छा ही होना चाहिए, माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ। लेकिन जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा और जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है। और अभी मैं छत पे आई हूँ और अभी मैं आ रही हूँ नहा धो के, नाश्ता वगैरह करके। और कुछ भी क्रीम वगैरह भी मैंने अभी नहीं लगाया है और आज बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने धोए हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे। तो छत पे मैं बैठ गई हूँ थोड़ा देर धूप लेने के लिए और देखिए क्या होता है 2 बजे के बाद, क्योंकि अभी 1:30 बज चुका है। तो आधा एक घंटा में पता चल जाएगा कि क्या होगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारा चीज़। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये हम लोग गाड़ी में हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने अपने जगह पे। और मेरी देवरानी जा रही हैं वहाँ जहाँ पे मेरे देवर जी का बिजनेस वगैरह है, तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने मम्मी से मिलने के लिए। और बस मायके ही नहीं जा रही हूँ मैं, मायके से ही अब पटना निकल जाऊँगी। और सारा सामान हमारा दूसरी गाड़ी में आ रहा है और हम लोग बस एक गाड़ी से हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और पतिदेव जी अपना बुलेट से आ रहे हैं पीछे से। तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि मेरे हस्बैंड का रिजल्ट आ चुका है और चुनाव मेरे हस्बैंड के पक्ष में नहीं आया। तो बस मैं क्या करूं, अब वहां से मैं निकल चुकी हूं और वहां रहना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इनका माहौल बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और कोई कितना भी मतलब मजबूत दिल वाला बनेगा लेकिन फिर भी सदमा तो लगता ही है। और ये मैं अपने मायके के गांव में पहुंच चुकी हूं, तो इनको वहां से हटाना ज़रूरी था। तो मेरा मायके रास्ते में आता है तो मैंने सोचा कि मम्मी से 2 दिन के लिए मिल लूं, फिर पता नहीं कितने दिन बाद मिलूंगी और फिर जाकर के अपने
बाल बच्चों में परिवार में आदमी उलझ जाएगा तो पता नहीं कब फुर्सत मिलेगा, इसलिए मैं मम्मी से मिलने के लिए मैं अपने घर आ गई हूँ और ये बस मैं अपने घर पहुँचने ही वाली हूँ। तो ये मेरे मायके का रास्ता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ और ये मेरी भतीजी, आप लोग जानते ही होंगे, अनन्या है इसका नाम। तो हमारे यहाँ आते हैं तो पहले भगवान जी वाले घर में प्रणाम करते हैं। तो बस यहाँ पे ये मेरे घर का भगवान जी वाला घर है, मंदिर वाला, और होम टूर मैं आप लोगों से किसी दिन कराऊंगी। और मेरी भतीजी काफ़ी खुश थी मुझे देख करके। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शाम का टाइम है और हम लोग बाहर बैठे हुए थे और ठंडी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और ये भी हैं यहीं पे। तो बस दो तीन दिन हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे मैं अपने भतीजी को थोड़ा बाहर घुमा रही थी क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है इन लोगों से मिलने का मुझे। हेलो फ्रेंड्स, और इनको देखकर अपना बचपन याद आता है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं छत पे खड़ी हूँ तो मैं अपने मायके आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगी पटना। तो दोस्तों इनका जो रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, उसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला है, वो वीडियो मेरा आज जाएगा। तो तीन चार दिन से तो मैं डालने की हालत में ही नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत हिम्मती हैं, आप लोगों से बता दूं, इलेक्शन इन्होंने हार गए और कोई नहीं, ये बहुत हिम्मती हैं, इनको तो कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अंदर से सदमा ज़रूर लगता है क्योंकि एक साल का समय इन्होंने बर्बाद किया है अपना। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला दो तीन दिन से रिज़ल्ट का। आप लोगों के साथ मैं बोली थी कि अच्छा बुरा जो भी होगा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो इलेक्शन ये हार गए हैं, कोई नहीं, लेकिन अपने गांव से जीते हैं। मेरे गांव से कोई दूसरा जीता नहीं है, अपने गाँव से जीता होगा लेकिन मेरे यहाँ से कोई नहीं जीता है। मेरे यहाँ से इनको अच्छा खासा वोट मिला है और अब अगले 15-20 साल तक इसका कोई ये नहीं है। और इन्होंने बोला भी था कि मैं पहली बार और आखिरी बार खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि इनका कोशिश था कि हमारे गांव में मतलब मुखियागिरी आ जाए, तो नहीं आ पाया। कोई नहीं, गांव के लोगों को शायद मंजूर नहीं होगा। गांव के लोगों ने तो बहुत ज़्यादा साथ दिया है और दूसरे गांव के लोगों ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। यहाँ पर सत्यम है मेरे पास और अभी मैं मायके आ चुकी हूँ क्योंकि इनको वहाँ के माहौल से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और आज मेरा वीडियो जाएगा क्योंकि दो तीन दिन से मैं नहीं डाल रही थी कि इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं। तो ऐसे मेरे पति शेर हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, मैं आप लोगों से बता दूं, इनको दुख नहीं है। तो बस अब हम लोग पटना निकलेंगे यहाँ से। तो मम्मी से मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि दो चार दिन मम्मी से मिल लूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो दोस्तों कोई नहीं, मैं हम लोग बहुत खुश हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो जो है इनका काम जो है वो तो कोई नहीं छीन सकता है ना। और मुखिया ही तो इनका शौक़ था, उसके लिए इन्होंने मेहनत किया है, तो कोई नहीं। तो बस आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अच्छा बुरा जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो। और ये नहीं है कि अच्छा जो कुछ होगा वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, अच्छा बुरा सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और यहाँ से अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ डालूँगी। तो और यहाँ का होम टूर भी कराऊँगी और ससुराल वाला तो होम टूर मैं आप लोगों से नहीं करा पाई क्योंकि उस समय मैं आप लोगों से बता दूँ कि व्यस्त थी। और कभी और कराऊँगी, यहाँ का होम टूर मैं आप लोगों से कराऊँगी कि कैसा मेरा घर है। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।